एक प्यारा सा सवाल है और क्या है जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और फिलहाल हमें ये नहीं कह रहा कि कहीं पर राइट एंगल है। सवाल सिर्फ ये है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी सच डैट एडी स्क्वायर इक्वल बीडी इनटू सीडी। तो मेरे को प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल एबीसी जो है एंगल ए पे 90 डिग्री होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है और अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक बात तो याद कर लो बच्चा, यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी कहा है, यहाँ पे कहीं पे राइट एंगल नहीं है। तो आप ऐसा करो इसको कोई नॉर्मल ट्रायंगल बना लो। मान लो कि आप ये देख पा रहे हो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। अब इसने मेरे को क्या करा है कि एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो आप हमें जरा बताओ ए यहाँ है और बीसी पे परपेंडिकुलर कौन एडी, तो क्या मैं यहाँ पे एडी परपेंडिकुलर बीसी ऐसा लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बेशक क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। और इसमें मेरे को दे रहा है एडी स्क्वायर इक्वल बीडी इंटू सीडी, ये मेरे को गिवन है एडी स्क्वायर इक्वल बीडी इंटू सीडी। जरा एक बात आप हमें बताओ, बचपन में आप पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। सपोज सुनिए गौर से मैं क्या कर रहा हूं, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप हमें बताओ अगर बी पर राइट एंगल है, सुनो गौर से, अगर बी पे राइट एंगल है तो क्या आप ऐसा कह सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर बी पे राइट एंगल है तो आप लिख सकते हो कि ए सी का स्क्वायर जो होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो आप हमें बताओ इसको आप रिवर्स ऑर्डर में आप ऐसे समझो, अगर हम कह रहे हैं कि आपके सामने बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अगर आ जाता है तो क्या बी पर राइट एंगल होगा? मैंने क्या कहा सुना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी पर राइट एंगल है। आप ऐसे समझो यार, एक और देखो, अगर हम कह रहे हैं मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है, एक बात आप हमें प्यार से बताओ, अगर हम कह रहे हैं बच्चा कि बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर कहीं पे है ऐसा, तो आप क्या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ए पर 90 होगा? ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल होगा जब ए पर 90 होगा? अगर हम कह रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए पर 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे पढ़े थे किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए इतनी बातें समझिए, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, हमें प्रूव करना है ए पर 90 डिग्री। तो आप हमें प्यार से बताओ ए पर 90 प्रूव करना है, यहाँ 90 प्रूव करना है, यहाँ 90 प्रूव करना है। इसका मतलब है कि आपको सोचना होगा कि ए पर 90 है, इसका मतलब है कि सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर आना चाहिए, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या हम ए पर 90 कह सकते हैं? मैंने क्या बोला, अगर बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ जाता है तो आप 90 कह दोगे? यस सर। नहीं कहोगे, चलो बढ़िया। जिंदगी में एक और बात याद रखना कि जब भी ट्रायंगल में स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर मतलब समझते हो जैसे ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी स्क्वायर है ना, हाँ, तो जब भी ट्रायंगल में स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप हमें जरा एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ए बी स्क्वायर ए इन ट्रायंगल, चलो चलो इन ट्रायंगल ए डी बी की बात कर लो, मान लो दिख रहा है ए डी बी, तो इन ट्रायंगल ए डी बी में आप ए डी स्क्वायर निकाल दो, क्या होगा ए डी स्क्वायर, क्या लिखोगे ए बी स्क्वायर माइनस माइनस बी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी होगा। वैसे चलो अभी ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर निकालो, क्या कहोगे ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, कह दोगे कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ दो। अब कहोगे जोड़ क्यों रहे हैं सर, इसलिए बच्चा जोड़ रहे हैं क्यों जानते हो, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर किसी भी हाल में चाहिए, कौन का है तो अभी तो हम बी सी स्क्वायर लिखेंगे, अच्छा भाई सर आ जाएगा तो ए पर 90 कर देंगे, तो यहाँ ए बी स्क्वायर है यहाँ क्या है, तो इसको क्या करोगे जोड़ोगे, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा 2 ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस बी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस डी सी स्क्वायर। अब हमें आप बताओ एक बात जरा,
टू इंटू ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लो, बी डी इंटू सी डी, तो ए डी स्क्वायर के बदले लिखोगे बी डी इंटू, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस वाला को इधर ले आओ प्लस बी डी स्क्वायर, ये माइनस डी सी स्क्वायर को इधर ले आओ प्लस डी सी स्क्वायर, उधर क्या बच गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब कहोगे सर आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को इधर क्यों रहने दिए, रीजन है जानते हो क्या, क्योंकि हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, इसलिए हमने ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को क्या किया, तनहा रख दिया। अब आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि इतना सारा को सॉल्व करके क्या आना चाहिए बोलो, देखते हैं बी सी स्क्वायर आता है कि नहीं आता, जरा गौर फरमाना, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी टू डी सी, क्या अगर मान लो इसको ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या एक फॉर्मूला पर आ रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला पे, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए क्या हो गया बी डी, बी क्या हुआ डी सी, इसका स्क्वायर, और उधर हमारा क्या है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो तो बी डी प्लस डी सी क्या आ रहा है कहीं पर, बी डी और प्लस डी सी पूरा बी सी, तो आपका आया क्या चीज बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और हमने अभी क्या कहा था कि आपके जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर आ जाए, अगर आ जाता है तो आप बाय कन्वर्स ऑफ क्या बोलो पाइथागोरस थ्योरम, क्या ऐसा दे बताओ ना, ऐसा तभी ना पॉसिबल है बच्चा जब ए पर हमारा 90। और आपको यही प्रूव करना था क्या ए इक्वल 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। थैंक यू।